रेसिपी आज हम लेकर आए हैं पीस पुलाव। पीस पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 कप वो राइस लिया है। मैंने इस कप का यूज़ किया है, ये मेरा राइस कुकर का कप है और इसको मैं अब वॉश करके रखी हूँ। मैंने इसमें 1 कप ऑफ वाटर डाल के इसे सोक कर दिया है। फ्रेंड्स, हमें इसे 15 मिनट्स तक सोक करना है। चलिए, तब तक हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि हमें पीस पुलाव के लिए और क्या चाहिए। जीरा और पुलाव मसाला। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुलाव मसाला नहीं है तो आप उसकी जगह पे कोरिएंडर, जीरा और गरम मसाले का मिक्स करके 1/2 स्पून बनाकर, मतलब जब मिक्स करें तो उसकी क्वांटिटी टोटल 1/2 स्पून होनी चाहिए, वो मिक्स करके डाल सकते हैं। इट विल सिमिलर टेस्ट ऑफ पुलाव मसाला। के लिए हमें चाहिए कैलिफाइड बटर, या आप इसे घी भी बोल सकते हैं, प्योर घी। सॉल्ट टू टेस्ट। ऑनियन, मैंने यहाँ पे 1 मीडियम ऑनियन को पतला पतला स्लाइस कर लिया, ये देखिए। 2 बे लीव्स, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 अनार फूल, 2 लौंग और सिनेमन, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। और पीस पुलाव है तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप पीस लिया है। मैंने ये मेजरिंग कप यूज़ किया है और इस कप से 1.5 कप ये पीस है। और मैंने राइस को सोक करके रखा जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे हाई फ्लेम पे रखा है। इसमें अब हम डालेंगे घी, डालते हैं 1 स्पून जीरा, हमारे सारे खड़े मसाले और अब इसमें डालते हैं ऑनियन। फ्रेंड्स, आप इसमें जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं जिंजर डिपेंड ऑन द टेस्ट, किसी को अगर जिंजर का टेस्ट पसंद है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप जिंजर डाल रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब इसे लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लें। फ्राई हो गई, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 स्पून, पुलाव मसाला 1/2 स्पून, मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं कर रही, 1/2 स्पून बहुत काफ़ी है। और पी हम इसे फ्राई कर लेते हैं और इसमें डाल दीजिए सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मटर को 2 मिनट तक मीडियम हीट पे फ्राई कर लें रखा था। तो अब इसका जो पानी है उसे निकाल दीजिए, ड्रेन आउट कर दीजिए इसका पानी। और अब मैं इसमें राइस मिक्स करती हूँ। फ्रेंड्स, इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना वरना आपकी राइस टूट जाएगी। मैंने लॉन्ग ग्रीन बासमती राइस यूज़ किया है, इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है वरना ये टूट जाएगी। एक बार उठाकर ये, और फिर एक साइड से उठाकर बस पलट दीजिए। ये देखिए, बस हल्के हाथ से इसे यूँ पलटना है और इसे 1 मिनट तक फ्राई करें। और ये अच्छे से फ्राई हो गए। चलिए, अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैं फ़िलहाल प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप राइस कुकर का यूज़ कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू योर राइस कुकर के इंस्ट्रक्शन आप उसमें डाल दीजिए। और जैसे कि मेरे राइस कुकर में, अगर मैंने उसके मेजरिंग कप से 2 कप राइस लिया है तो उसमें मुझे लेवल 2 तक पानी रखना होता है। सेम आपके राइस कुकर का भी इंस्ट्रक्शन बुक होगा, आप अकॉर्डिंग टू दैट उसमें रख दीजिए और उसे लगा दीजिए वाइट राइस पे। और अगर आप कुकर यूज़ कर रहे हैं तो कुकर के लिए मैंने यहाँ पे जितना राइस लिया है उसका जस्ट डबल हमें पानी लेना है। अगर 2 कप राइस है
तो आपको वाटर जो है 4 कप यूज़ करना है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ये पीस पुलाव है, तो आप 4 की जगह 3.5 कप वाटर रखिए, क्योंकि पीस में भी वाटर कंटेंट होता है, वरना आपका जो पुलाव है वो थोड़ा गीला सा हो जाएगा या फिर एक दूसरे से चिपका चिपका सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पानी 4 की जगह 3.5 रखें। तो चलिए अब मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र करती हूँ और फिर इसमें पानी डालकर इसे प्रेशर के लिए लगाते हैं। कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है, अब मैं इसमें वाटर मिक्स कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे 2.5 कप राइस यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे 5 की जगह 4.5 कप वाटर डाली हूँ। पीज में भी वाटर होता है जैसा मैंने आपसे बोला, और हमने राइस को पहले सोक भी किया हुआ था, तो वो जल्दी कुक हो जाएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 5 की जगह 4 कप वाटर भी यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से पक कर आएगा। और अब हम इसका लिड लगा देते हैं और इसे मीडियम हीट पे 1 सीटी 1 विसल तक कुक करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मीडियम हीट रखा है। अब हम वेट करेंगे इस पे 1 विसल आने का, और 1 विसल में मैं इसे बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद फ्रेंड्स, हम इसे तुरंत ओपन नहीं करेंगे, हम इसे वेट करेंगे जब तक कुकर हमारा ठंडा ना हो जाए तब तक, ताकि हीट से चावल और अच्छे से पक जाए। है और हमने इसे ऑफ कर दिया है। चलिए अब हम वेट करते हैं कि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसे ओपन करेंगे। रेडी है, और ये देखिए राइस बिल्कुल लंबे लंबे ही दिख रहे हैं, टूटे नहीं हैं, आप देख सकते हैं। रेडी है, ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताइए, बनाइए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और फ्रेंड्स, हम अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।